ये LGBTQIA के लिए संकेत है। हमने एक वीडियो जारी किया था जिसमें बताया गया था कि इस शब्द का क्या अर्थ है और आपको बताया था कि दो और वीडियोस हैं। आज के वीडियो में हम LGBTQIA+ समुदाय के इतिहास के बारे में बात करेंगे। तीसरा वीडियो जल्द ही दिखाएंगे। पहले समाज में गे, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल के साथ भेदभाव किया जाता था और उन पर अत्याचार किया जाता था। उनकी कामुकता के लिए उनका मजाक उड़ाया जाता था और लंबे समय तक उनके साथ भेदभाव किया गया। उनकी भावनाओं को कभी पहचाना नहीं गया, परिवारों ने जबरदस्ती जोड़ियां तोड़ी और समुदाय को ऐसे कई अत्याचारों का सामना करना पड़ा। वे हमेशा समान अधिकारों के लिए तरसते रहे हैं। LGBTQIA+ समुदाय के पास आज जो सम्मान है उसका श्रेय एक विशेष घटना को जाता है। मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। बहुत से लोग आज LGBTQIA+ समुदाय के अधिकारों के लिए स्टोनवॉल दंगों को श्रेय देते हैं। ये है उसकी कहानी। पहले अमरीकी संविधान ने समलैंगिकता और समलैंगिक संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया था। फिर पुलिस अक्सर क्वेयर बार पर छापा मारती थी और ऐसे बार में समुदाय के सदस्यों को परेशान करती थी। समुदाय पुलिस की बर्बरता से व्यथित थी और कहा कि उन्हें अपनी भावनाओं पर अधिकार है। समलैंगिकता पर प्रतिबंध के कारण उन्हें पुलिस से पिटाई और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में ग्रेनिच विलेज में स्टोनवॉल इन नामक क्वेयर बार में पुलिस अक्सर लोगों को परेशान करती थी। 28 जून 1969 को दैनिक अत्याचारों से आक्रोशित बार में क्वेयर समुदाय ने पुलिस का विरोध किया और कहा कि वे उनके उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं करेंगे। समुदाय ने अपनी स्वाभाविक भावनाओं पर अपने अधिकार का दावा किया और पुलिस के खिलाफ संघर्ष किया। यह स्टोनवॉल दंगे थे जिसने दुनिया भर में विरोध प्रदर्शनों को प्रेरित किया और जागरूकता पैदा की। उसके बाद 1970 से प्राइड परेड और प्राइड मंथ होते रहे हैं। यह जागरूकता पैदा करने, शिक्षण स्वीकृति, भेदभाव को रोकने आदि के लिए है। वर्षों तक जागरूकता पैदा करने और गे, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर और अन्य कामुकताओं को सामान्य बनाने के बाद अब लोगों में उनके बारे में काफ़ी जागरूकता है। 1970 की प्राइड परेड के बाद से दुनिया भर के लोगों ने जागरूकता पैदा करने के लिए अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है। यह तब से एक परंपरा बन गई। यह सब स्टोनवॉल के दंगों के कारण हुआ। होमोफोबिया का अर्थ है नापसंद या LGBTQIA+ समुदाय के सदस्यों के प्रति पूर्व आग्रह। होमोफोबिया कितना हानिकारक हो सकता है इसके बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए कई अभियान चलाए जाते हैं। यही कारण है कि जून को अब प्राइड मंथ के रूप में मनाया जाता है। अब मैं आपको भारत में LGBTQIA+ एडवोकेसी के इतिहास के बारे में बताऊंगा। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान उन्होंने हमारे सभी कानून बनाए। उनके कानूनों के अनुसार समलैंगिक यौन संबंध पर प्रतिबंध लगा दिया और IPC की धारा 377 के तहत एक अपराध घोषित किया गया था।
1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद और लोगों को समानता का अधिकार दिया गया था, लेकिन समलैंगिकता एक अपराध ही बना रहा। दशकों बाद 11 अगस्त 1992 को दिल्ली के सेंट्रल पार्क में कनॉट प्लेस में समलैंगिक अधिकारों के लिए पहला ज्ञात विरोध समाज के भेदभाव के खिलाफ आयोजित किया गया था। दिल्ली पुलिस ने तब 18 लोगों को इस आधार पर कि वे समलैंगिक कृतियों में लिप्त होने वाले थे कहकर गिरफ्तार किया था। उस गिरफ्तारी ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय में पहली सामूहिक विरोध शुरू किया, जिसमें 500 से अधिक लोगों ने पुलिस की अनुचित बर्बरता का विरोध करने के लिए भाग लिया। 1999 में कोलकाता ने भारत की पहली गे प्राइड परेड की मेजबानी की। परेड में केवल 15 लोग उपस्थित थे। इसका उद्देश्य भारत में जागरूकता फैलाना था। तब से कई LGBTQIA+ सदस्यों ने अदालतों में और राजनीतिक नेताओं के पास धारा 377 को खत्म करने और समलैंगिकता को अपराध से मुक्त करने के अनुरोध में याचिका दायर की है। यहां तक कि राजनेताओं ने भी समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध से मुक्त करने के लिए संसद में विधेयक पेश किए हैं। अंत में 6 सितंबर 2018 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 377 को रद्द कर दिया। जैसे विषमलैंगिक जोड़ों को सहमति से यौन संबंध बनाने का अधिकार है, इसी तरह समलैंगिक जोड़ों को भी सहमति से यौन संबंध का अधिकार है। यह एक मानवीय प्रवृत्ति है और इसमें भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यही कारण है कि कानून को रद्द कर दिया और कानून को असंवैधानिक करार दिया गया, क्योंकि संविधान के अनुसार सभी को मानव अधिकार है। क्योंकि कानून असंवैधानिक था, इसलिए उसे रद्द कर दिया गया। धारा 377 के खिलाफ लड़ाई समाप्त हो गई है, लेकिन लड़ाई जारी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्तमान में विषमलैंगिक जोड़ों के पास ऐसे कानून हैं जो उन्हें शादी करने की अनुमति देते हैं, वे गोद ले सकते हैं और वे कई अन्य विशेष अधिकारों का आनंद लेते हैं। LGBTQIA समुदाय भी यह मांग कर रही है, वे ऐसे कानून चाहते हैं जो उन्हें शादी करने की अनुमति दे, गोद लेना, पति या पत्नी के निधन पर संपत्ति हस्तांतरण अधिकार आदि। वे LGBTQIA+ समुदाय के लिए ऐसे अधिकारों और कानूनों की मांग कर रहे हैं। अपने पहले वीडियो में हमने बताया कि LGBTQIA+ का क्या अर्थ है। इस वीडियो में हमने उनके इतिहास के बारे में बताया है। जागरूकता और आगे का क्या करना है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ISH न्यूज़ के साथ बने रहें।